नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं जिला इटावा के ब्लॉक बशीर में राजकीय कृषि बीज भंडार पर। तो आइए आज बात करते हैं यहाँ के जो सचिव जी हैं योगेंद्र पाल जी से कि धान की फसल आने वाली है, उसके संबंध में अभी क्या क्या बीज उपलब्ध हैं। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से किसानों को जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे हमें भी फायदा होगा, किसानों को भी बहुत बेनिफिट है। जी बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा ज्यादातर किसानों तक पहुंचे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपके प्रश्न के अनुसार मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ धान की जो प्रजातियां हैं वो सुगंधित प्रजातियां हैं, जैसे कि पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1637, ये प्रजातियां, इनका उत्पादन भी अच्छा है और ये प्रजातियों का रेट भी मंडी में जो हाइब्रिड धान है उससे अधिक मिलता है। और दूसरा, ये प्रजातियां जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें भी टिकी हुई रहती हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, उनमें रोग ज़्यादा लगते हैं और ये इनकी फसल पीली पड़ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। और इनमें जैसे अधिक जल भरा हो, सूखा की स्थिति आ जाती है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी टेम्परेचर भी अगर अधिक होगा तब भी इन प्रजातियों को फर्क नहीं पड़ेगा, उनका उत्पादन भी और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसान को ये प्रजातियाँ यहाँ पर अनुदान पर उपलब्ध हैं। 47.60 रुपये इसका रेट है पर किलो के हिसाब से, और इस पर लगभग 50% अनुदान है जो किसानों को सीधे खाते में जाएगा। अच्छा, तो अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या करना होगा? अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसान को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, ठीक, कागजों की फोटो कापी हो और वो बसरेर ब्लॉक का ही हो तो उसको अनुदान खाते में मिल जाएगा। तो उसके लिए अपना ऑनलाइन करना होता है या फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जमा करिए, क्या करना होता है? वो डॉक्यूमेंट की फोटो कापी मुझे दे दें, मैं उसको खुद ही ऑनलाइन कर देता हूँ। और कोशिश ये करिए, किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वही खाता दें जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि आ रही है। पाल साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जो जमीन कम उपजाऊ है या जिनमें पैदावार कम होती है तो उसके लिए कोई बीज है? हाँ, उसके लिए भी हमारे पास नरेंद्र फाउंडेशन में आया है, रिसर्च का बीज है, ये भी अच्छा उत्पादन है। ये हमने देखा है कि यहाँ पे जो ऊसर का क्षेत्र है या जो कम उपजाऊ वाली जमीन उसमें इसका उत्पादन अच्छा होता है और इसका रेट हमारे यहाँ लगभग 36 रुपये किलो है, इस पर 50% छूट है। अच्छा, जो अनुदान जो किसान को मिलता है ऑनलाइन करने के बाद या बीज परचेज करने के बाद में कब तक उसको प्राप्त हो जाता है पैसा? ये अनुदान लगभग 15-20 दिन में उसके खाते में पहुँच जाता है। खाते में पहुँच जाता है। अच्छा, जो बीज आपके यहाँ अवेलेबल हैं और मार्केट में हैं तो जो आपके पास में बीज हैं वही मार्केट में हैं? नहीं नहीं, वो बीज मार्केट में प्राइवेट कंपनियों के अपने अलग अलग नाम के अनुसार हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो जो उस किस्म का जो वास्तविक नाम है उसी नाम से बीज उपलब्ध हैं और रेट भी बहुत सस्ता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रेट है और इस पे भी 50% छूट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, बीज के किसानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग किसानों के लिए ही है, किसान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़े तो उनकी लागत कम आएगी और उत्पादन अधिक होगा और उनकी आय दोगुनी होगी। पाल साहब, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि बीज के अलावा और क्या क्या कीटनाशक या कोई यंत्र वगैरह अपने यहाँ पर उपस्थित हैं अभी? हाँ हाँ, हमारे यहाँ कृषि यंत्र वगैरह भी आते हैं जो कि कृषि निदेशक कार्यालय इटावा से संपर्क करते हैं तो वहाँ से कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं जिन किसानों का चयन पत्र निकलता है, जो चयनित होते हैं उन किसानों के लिए। और जो आपने कीटनाशक की बात की है तो हमारे यहाँ रक्षा इकाई इसी ब्लॉक परिसर में ही है, पीछे बनी हुई है, उस रक्षा इकाई पे भी कीटनाशक उपलब्ध रहते हैं, जो भी कीटनाशक सीजन पे आवश्यकता होती है वो कीटनाशक उपलब्ध रहते हैं। पाल साहब, अगला सवाल मेरा है कि पीएम किसान से संबंधित जो धनराशि किसानों के खाते में आती है उससे संबंधित क्या सुविधाएं अपने केंद्र पर अवेलेबल हैं? उसके लिए हमारे अधिकारियों के आदेशानुसार हम यहाँ पे किसानों का आधार कार्ड जो गलत फीड है उसका संशोधन करते हैं, खाता गलत फीड है उसका संशोधन करते हैं, ये कार्य यहाँ पे चल रहा है। उसके लिए हम किसानों से जो सूची बन के आती है इस गांव के किसानों का ये आधार कार्ड गलत है तो उससे हम संपर्क करते हैं, उनसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी तीनों कागज लेके उनका संशोधन करके सारा कार्य सही कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ओके, थैंक यू, वेलकम। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।